नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल आपके साथ और नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर, आज पीएम ने बनास डेयरी के चीज प्लांट का किया उद्घाटन, जो करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने डीसम एयरपोर्ट के पास एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इस धरती के सम्मान के रूप में आया हूं। साथ ही कहा, मैं गुजराती नहीं बोल रहा क्योंकि देश को भी पता चलना चाहिए कि बनासकांठा में क्या हो रहा है। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हथियार बताते हुए विपक्ष पर किया बड़ा प्रहार। साथ ही कहा, नोटबंदी से 10, 20 और 100 के नोटों की कीमत बढ़ गई है। ममता ने मनोहर पर्रिकर की ओर से भेजे गए खत पर पलटवार करते हुए कहा, पर्रिकर को ये भी नहीं पता कि एक मुख्यमंत्री को खत कैसे लिखते हैं। मैं खत की भाषा से खुश नहीं हूँ। मैंने सरकार की नीति के बारे में कहा था, ना कि सेना के बारे में। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एम्स में हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट। सूत्रों के मुताबिक देश की सभी जाने माने सर्जन रहेंगे मौजूद। साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए सभी जरूरी चिकित्सा प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। भोपाल के सीमी आतंकियों के हमले में शहीद हुए रमाशंकर यादव की बेटी की शादी में राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। शादी के सभी इंतजाम सीएम की निगरानी में हुए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्रिपल तलाक मुद्दे के फैसले पर बिहार महागठबंधन के नेता लालू और नीतीश पर करारा हमला करते हुए कहा, अदालत ने ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता बताया है। वहीं वोट बैंक की खातिर नीतीश लालू इस मामले में कुछ न बोलकर महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी समेत अन्य दो लोगों को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष पर 450 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप है। सभी गिरफ्तार लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। नाइजीरिया के एक बाजार में ग्राहकों के रूप में आई दो हमलावरों ने बाजार में किया विस्फोट, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई, वहीं 33 लोग हुए घायल। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर दिया बड़ा बयान, अमेरिकियों की जगह विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखे जाने की अनुमति नहीं होगी। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस से उनका जन्मदिन न मनाने की गुजारिश की है। रजनीकांत 12 दिसंबर को 66 वर्ष के होने जा रहे हैं। उन्होंने यह फैसला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन से भावुक होकर लिया है। क्रिकेटर ईशांत शर्मा और बास्केटबॉल प्लेयर प्रतिभा सिंह बंधे शादी के बंधन में। दोनों की शादी गुड़गांव के एक फार्म हाउस में हुई है। साथ ही शादी में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी शामिल हुए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।